तो ये बोले झंडा ले लू, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, अभी उनको राशन नहीं दो। इस देश की तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी किस तरीके से देशभक्ति के नाम पर वोट बटोरती है और अब तो इंतहा पार हो गई कि वो तिरंगे का भी अपमान कर रही है। जी हाँ, जिस तरीके से उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कैसे राशन बांटते वक्त वो कैसे गरीब लोगों को झंडा खरीदने पर मजबूर कर रही है। अगर किसी के पास, गरीब के पास पैसे नहीं है, वो झंडा नहीं खरीद सकता, तो उसको राशन भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं वो कैसे तिरंगा झंडा बेच रहे हैं, आप सोचिए। जो देश की सबसे तथाकथित राष्ट्रभक्त पार्टी होने का दावा करती है, जो राष्ट्र, जो भारत माता से समझौता करने को तैयार नहीं होती है, और आए दिन जो है चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, इन तमाम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाती है, उसकी क्या हालत है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गरीबों को भी झंडा खरीदने पर मजबूर कर रही है और उनके जो नेता है खुद वो भी किस तरीके से झंडा बेच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा में कैसे आपस में ये लोग भिड़ गए वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिसके चलते इन पर मुकदमा भी होना चाहिए, कैसे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों को यही नहीं पता कि तिरंगे के जो रूल एंड रेगुलेशन है, किस तरीके से उसको पकड़ना है, किस तरीके से उसको फहराना है, और कहां से वो सीधा होता है, बेसिक जो है वो भी इन लोगों को नहीं पता कि तिरंगा झंडा सीधा किस तरफ से होता है, वो भी इन लोगों को नहीं पता, जिसके चलते इन पर मुकदमा हो सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन ये काम करेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वही इस तरीके से तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं। एक एक करके मैं वीडियो दिखाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये लोग तिरंगे झंडे के नाम पर कमाई कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, वहीं गरीब जो है वो भूखा प्यासा तड़प रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो यूपी का है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता 20 रुपए में झंडा बेच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी देशभक्ति कितनी बड़ी है। भारत की सबसे अमीर पार्टी जिसके पास करोड़ों रुपए का बजट है, वो लोग 20 रुपए का झंडा बेच रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि ये लोग जो है सबसे ज्यादा देशभक्ति का दावा करते हैं, राष्ट्रभक्ति का दावा करते हैं, लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है या इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी देशभक्ति नहीं है कि ये लोगों को जो है फ्री में झंडा दे सके। लेकिन ये लोग यहाँ पर पैसा ले रहे हैं 20 रुपए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी किस तरीके से हरियाणा में जो है वहां पर ऐलान कर दिया गया है कि अगर आपको राशन चाहिए तो आपको 20 रुपए का झंडा खरीदना पड़ेगा, वरना राशन नहीं मिलेगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और ये देखिए, कानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं, और जमकर जो है वहां पर लात घूंसे जूते चले हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग आपस में ही भिड़े पड़े हैं। तो इस बात से ये अंदाजा हो जाता है कि बीजेपी का जो खोखला राष्ट्रवाद है, खोखली राष्ट्रभक्ति है, वो सबके सामने है। ये लोग जिस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर लोगों को वर्ग लाते हैं और वोट की राजनीति के लिए ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन जब इनका नंबर आता है तो इन लोगों की हकीकत आपके सामने है। इनके नेता 20-20 रुपए में झंडे बेच रहे हैं, और आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में बीजेपी की जो है सारी पोल खुल जाएगी। जिस तरीके से राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पर ये लोग वोट बटेरते हैं, जब जनता को फायदा पहुंचाने का नंबर आता है तब किस तरीके से ये अपना रंग रूप बदलते हैं, ये वीडियो सुन लीजिए
कैसे एक गरीब से जो है झंडा खरीदने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप झंडा नहीं खरीदेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, सुन लीजिए। तो बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहां से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर, 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा, 5 किलो राशन काट लिया, जो मेरा झंडा दिया 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडा देने के? हाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट लिया इसने। तो सुना आपने, बीजेपी के ऐसे हालात है, वहाँ पर राशन दुकानदारों को और साफ साफ ऑर्डर दे दिया गया है अधिकारियों द्वारा कि आपको जो है झंडा जरूर खरीदना पड़ेगा, अगर आप झंडा नहीं खरीदेंगे तो आप लोगों को जो है राशन नहीं मिलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आजादी के 75वें अमृतकाल में पहुंच चुके हैं, आज देश जो है मजबूत बन चुका है, लेकिन हकीकत यह है, ग्राउंड लेवल पर हकीकत यह है कि जो गरीब है मजदूर है उसको आज भी देशभक्ति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। देशभक्ति अगर है तो वो सबके दिलों में होती है, उसके लिए जबरदस्ती उसको झंडा खरीदवाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास पैसा है, जो देशभक्ति जानता है, इन्हीं के बच्चे हैं जो बॉर्डर पर जाकर अपनी शहादत देते हैं। ज्यादातर जो सेनाओं में हैं वो कौन लोग हैं? वो किसान मजदूर गरीबों के बच्चे हैं। लेकिन बीजेपी जो है कह रही है इनसे कि आप 20 रुपए का झंडा खरीदिए तब जाकर आपको राशन मिलेगा। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त में खाना खिलाया। अब आप देख लीजिए, ये हालत देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए किस तरीके से आपकी सरकारें जो हैं वो जनता को जबरदस्ती झंडा खरीदने पर मजबूर कर रही है, ऐसा ना करने पर उनको राशन नहीं देगी। तो फिर आप जो संसद में आंकड़े पेश करते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में रोजगार दिया, तो इसकी हकीकत और जमीन पर हकीकत वो आपका जो है दोहरा चरित्र दिखाती है। आपको समझना होगा कि जिस तरीके से आप जबरदस्ती राष्ट्रभक्ति थोप रहे, देशभक्ति थोप रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर जनता का पेट भरता रहेगा, लोगों का पेट भरता रहेगा, तो वो राष्ट्रभक्त भी बनाएंगे और जो है अमृतकाल महोत्सव भी बनाएंगे। लेकिन इनके पास खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, और आप जबरदस्ती झंडा खरीदवा रहे हैं। ऐसा ना करने पर आप उनको जेल में भी डाल सकते हैं। और अब जो है ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो झंडा लेकर खड़े हैं, लेकिन इनको इतना भी नहीं पता है कि झंडा जो इन्होंने पकड़ा है वो उल्टा पकड़ा है। अब क्या पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी? जो नेशनल फ्लैग एक्ट है, जिसमें जो राष्ट्र ध्वज को लेकर कानून बने हुए हैं, उसके तहत क्या इन पर कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं उन्हीं के ये कार्यकर्ता है, और यही वजह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। ये देखिए सब ने उल्टा झंडा पकड़ रखा है, लेकिन इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वहीं अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान होता तो अब तक उसको जेल में डाल दिया जाता। बीजेपी जो झूठी राष्ट्रभक्ति का दावा करती है, तथाकथित राष्ट्रवाद का दावा करती है, उसकी हालत यह है, इनको ये तक नहीं पता है कि जो है उनकी हमारे तिरंगा झंडा सीधा किधर से होता है, और ये उल्टा झंडा पकड़ कर खड़े हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने कर डाली, लेकिन मीडिया में इनसे किसी ने सवाल भी नहीं करा। तो ऐसे हालात है, एक तरफ जो है मोदी जी कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75वें अमृतकाल में पहुँच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों से जो है जबरदस्ती झंडा खरीदवाया जा रहा है, ऐसा ना करने पर उनको राशन नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो तिरंगा यात्रा में आपस में ही भिड़ जाते हैं, और एक तरफ ये वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतना भी नहीं पता है कि जो तिरंगा झंडा है वो सीधा किधर से है। भगवा जो रंग है वो नीचे किया हुआ है, और जो हरा रंग है वो ऊपर किया हुआ है, जबकि जो सीधा है वो भगवा ऊपर है, ऑरेंज ऊपर है, और जो हरा है वो नीचे रहता है। लेकिन इन लोगों को ये भी नहीं पता। आपकी क्या राय है, बीजेपी किस तरीके से राष्ट्रभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रही है, बेवकूफ बना रही है? उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। खासकर जो मोदी जी कह रहे हैं कि आज हम 75वें
आजादी के 75वें अमृतकाल महोत्सव को मना रहे हैं, यानी कि हम अमृतकाल में पहुंच चुके हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। क्या मोदी जी वाकई में आज भारत को जो है अमृतकाल में पहुंचा दिया है, या जिस तरीके से जो बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से संसद में इन्होंने आंकड़ा दिया कि 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री में राशन बांटा है, क्या वो अमृतकाल का निशानी है, क्या वो अमृतकाल में पहुँचने की निशानी है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।